जिस युद्ध के बारे में कहा जा रहा था कि ये युद्ध रशिया जैसे पावरफुल मुल्क के लिए महज 3 से 4 दिनों का खेल है, उस जंग के 33 दिन हो चुके हैं। लेकिन आज आपको हम बताते हैं कि आखिर यूक्रेन के पास इतना दमखम कहां से आया, नेटो की मदद के अलावा वो कौन सी पावर है जो न सिर्फ रूसी सैनिकों के लिए काल साबित हो रही है बल्कि जिसने ऐलानी जंग से पुतिन को हैरान परेशान कर रखा है, ये तय कर रखा है कि यूक्रेन में रशिया को किसी भी हाल में जीतने नहीं देना है। आखिर यूक्रेन में कौन है पुतिन का नया दुश्मन जिसने वॉर जोन में बढ़ाई रूसी सेना की टेंशन, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दुनिया के दो सबसे अमीर शख्स व्लादिमीर पुतिन वर्सेस एलन मस्क। रूस को चुनौती दे रहा यूक्रेन, इसके पीछे है मस्क का ब्रेन। एलन मस्क का हाईटेक इंटरनेट, यूक्रेन कर रहा रूस को टारगेट। जिस रूस को लेकर दावा था कि वो यूक्रेन पर महज 3 दिन में कब्जा करने का दम रखता है, वो 1 महीने बाद भी जंग में जूझ क्यों रहा है? जो यूक्रेन सैन्य ताकत में रूस के सामने कहीं नहीं टिकता, वो आखिर कैसे कीव में घुस रही पुतिन की सेना के आगे दीवार बन गया है? दरअसल यूक्रेन की इस ताकत के पीछे जो ढाल है वो है दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। जी हाँ, जमीन आसमान की लड़ाई में पुतिन के सैनिक भले ही 20 हो, लेकिन एलन मस्क के डायरेक्ट अंतरिक्ष से मिले सपोर्ट से ज़ेलेंस्की की आर्मी रूस पर भारी पड़ रही है। रूस को रोकने में एक बड़ा किरदार निभा रहे हैं टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क। यूक्रेन को स्पेस इंटरनेट की ताजा तरीन आधुनिक तकनीक मुहैया कराकर मस्क ने पुतिन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। द टेलीग्राफ के मुताबिक यूक्रेन सैटेलाइट इंटरनेट से रूसी सेना को रोकने में सफल हो रहा है। स्टारलिंक का इंटरनेट आसमान से नजर रखने में यूक्रेनी सेना की मदद कर रहा है, इसलिए यूक्रेनी सेना रूस के ड्रोन्स और टैंकों को ट्रैक करने में कामयाब हो रही है। यूक्रेन के ड्रोन भी स्टारलिंक के इंटरनेट से रूस के खिलाफ कारगर साबित हो रहे हैं। उन्हें दूर दराज के इलाकों में भी कनेक्टिविटी मिल रही है, जिससे तेजी से सूचना लेना और भेजना मुमकिन हो रहा है। इस तकनीक से यूक्रेनी ड्रोन सीधा रूस के टैंकों के बड़े बड़े बेड़ों पर हमला कर रहे हैं और यूक्रेन के लिए मसीहा बनकर सामने हैं एलन मस्क। जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो सबसे पहले यूक्रेन के इंटरनेट सेंटर और इंटरनेट केबल लाइंस को तबाह किया था। ये रूस की सोची समझी साजिश थी जिससे यूक्रेन के कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ठप किया जा सके। इसी के बाद यूक्रेन के डिप्टी पीएम और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री मिखाइलो फेडोरोव ने टेस्ला और स्पेस एक्स के मुखिया एलन मस्क से मदद मांगी थी। एलन मस्क ने भी यूक्रेन की मदद की गुहार को नजरअंदाज नहीं किया। कुछ ही दिनों में यूक्रेन को इंटरनेट मुहैया कराने के लिए आधुनिक उपकरणों की सप्लाई शुरू हो गई। असर यह हुआ कि रूस की कोशिशों के बावजूद यूक्रेन में इंटरनेट बहाल हो गया। बड़ी बात यह है कि रूस के पास मस्क के इंटरनेट को बंद करने का कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक सीधे सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट मुहैया कराता है। साइबर की अगर हम बात करें, हैकर्स की बात करें, तो एक तरफ यूक्रेन की तरफ के साथ बहुत सारे हैकिंग ग्रुप्स आ गए हैं जो कि रशिया पे अटैक्स कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रशिया के हैकर्स हैं और जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं रशिया के, वो स्टारलिंक के सर्वर्स को अटैक कर रहे हैं। सैटेलाइट इंटरनेट का नाम सुनकर आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये काम कैसे करता है, तो चलिए आपको बताते हैं कि एलन मस्क की जो स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस है, दरअसल वो काम कैसे करती है ये आप देख सकते हैं। दरअसल
ये सैटेलाइट वायर से नहीं बल्कि लेजर बीम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो अपलिंक और डाउनलिंक आप देख पा रहे हैं लेजर बीम है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपको बता दें कि लेजर बीम की मदद से ही एक जगह से दूसरी जगह पर डेटा जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। इसी प्रकार ये डेटा ट्रांसफर होता है। अंतरिक्ष में एक सैटेलाइट अपने आसपास के चार या फिर उससे ज्यादा सैटेलाइट से जुड़ा होता है। एक सैटेलाइट में इतनी कैपेसिटी होती है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी सैटेलाइट सीधा एक दूसरे के संपर्क में होते हैं और यही वजह है कि इंटरनेट सेवा में रुकावट नहीं आती है। अंतरिक्ष में खासकर जो सैटेलाइट बना होता है उसका जाल जमीन पर बहुत तेजी से इंटरनेट सेवा देता है और डेटा तुरंत ट्रांसफर होता है। यह इतना ज्यादा कारगर साबित होता है और सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर स्पेस वॉर के हालातों को झेलने में भी सक्षम है। क्योंकि आपको यह भी बता दें अगर अंतरिक्ष हमले में कुछ सैटेलाइट को नुकसान भी पहुंचता है तो भी जमीन पर इंटरनेट सेवा पर जमीन पर इसके माध्यम से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सेवा नहीं रुकती। यानी स्टारलिंक सर्विस एक ऐसी इंटरनेट सर्विस है जो युद्ध जैसे किसी भी मुश्किल हालात के दौरान चलती रहती है, कभी बंद नहीं होती। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के द्वारा जो ये सैटेलाइट लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं यूक्रेनियन साइबर आर्मी को और यूक्रेनियन आर्मी को बेसिकली बहुत ज्यादा मदद कर रही है ट्रैक करने में। जितना भी मूवमेंट्स है जियो लोकेशन ट्रैक कर पा रहे हैं बहुत इजीली कि कौन सा टैंक किस तरह से मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रही है, किस तरफ आर्मी की मूवमेंट्स है, किस तरफ उनकी स्पेशल फोर्सेस मूव कर रही हैं और उस सारे डेटा को एनालाइज करकर यूक्रेनियन आर्मी अपना नेक्स्ट प्रोसेस जो नेक्स्ट कदम है वो बहुत ध्यान से उठा रही है। अब रूस यूक्रेन की जंग ताकत और आत्मसम्मान की बात पर आ चुके हैं। न रूस रुकने को तैयार है न यूक्रेन झुकने को तैयार है। लेकिन यूक्रेन को मिले मस्क के स्पेस सपोर्ट की वजह से पुतिन के लिए चुनौती बढ़ जरूर गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24।